In this video, we will study about plasma membrane or we can say it cell membrane. तो सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है. जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, और वो सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल में साइटोप्लाज्म के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, इसलिए उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है. इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर सिंपल फीचर्स को हम डिस्कस करें तो इट इज थिन डेलिकेट लाइनिंग ऑफ सेल. मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज थिन, वेरी थिन, डेलिकेट मीन्स इट इज सॉफ्ट एंड इट इज द लिविंग लेयर ऑफ द सेल. सो वी कैन से इट लिविंग बाउंड्री, लिविंग बाउंड्री ऑफ द सेल. इस सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम हम लिख सकते हैं प्लाज्मा लैमा, प्लाज्मा लैमा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करती है. जैसे इट बिहेव्स लाइक द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट बिहेव्स लाइक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन. आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंट टर्म्स हमने मेम्ब्रेन के लिए क्यों यूज की है. उसके बाद आता है कि जब भी हम सेल की मेम्ब्रेन में बायोकेमिकल कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, बायोकेमिकल कंपोजिशन, तो यहां पर अलग अलग सब्सटेंस हैं बायोकेमिकल कंपोजिशन, और उन कंपोजिशन में मेनली ये पाया गया कि यहां पर थ्री सब्सटेंस होते हैं. फर्स्ट प्रोटीन, और प्रोटीन का परसेंटेज किसी भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 40%. देन लिपिड्स, और वी कैन से इट द फैट, एंड लिपिड कंसिस्ट ऑफ 58 to 59% ऑफ टोटल कंपोजिशन, एंड लास्ट वन इज द कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट का जो कंपोजिशन है वो अप्रोक्सीमेटली 1 से 2% तक होता है. तो जब डिटेल स्टडी की गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उसका केमिकल कंपोजिशन देखा गया, तो उस केमिकल कंपोजिशन में पाया कि यहाँ पर थ्री डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट है जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रो करते हैं, या फिर जिनसे सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है. प्रोटीन 40%, लिपिड 58 to 59%, एंड कार्बोहाइड्रेट 1 to 2%. अब बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं. सेमी परमिएबल मीन्स व्हेन द सेल अलाउज एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू इट. जब किसी भी सेल को, इफ इट मीन्स कि अगर वाटर की नीड है फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड, तो जब मेम्ब्रेन उस वाटर मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर की तरफ आने के लिए अलाउ करती है, तो उस टाइम मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है. उसके अलावा अगर सेल के अंदर एक्सेस कंडीशन प्रेजेंट है और वो चीज हमें बाहर निकालनी है, सेल से बाहर जा रही है, तो सेम मेम्ब्रेन हेल्प करेगी वाटर को रिमूव करने में, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं. लेकिन जब सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की बात आती है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में कोई भी सेलेक्टेड पार्टिकल अदर देन वाटर, वाटर तो है ही, उसके अलावा अगर कोई भी सेलेक्टेड पार्टिकल सेल को नीडेड है या फिर सेल उसे रिमूव करना चाहती है, दोनों कंडीशन में सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन उस स्पेसिफिक पार्टिकल को सेलेक्ट करेगी, और सेलेक्ट करने के बाद उसे बॉडी से या तो बाहर निकाल देती है या उसकी एंट्री कराती है. तो इन सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में सेलेक्टेड पार्टिकल्स एंटर्स थ्रू मेम्ब्रेन. तो सेलेक्टेड पार्टिकल की एंट्री होती है. इसको हम एक सिंपल डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं. सपोज दैट हमने यहाँ पर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगाई है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, और वो पोर्स क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की एंट्री को अलाउ. सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पोर्स इन इट, और इन पोर्स के साइज के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सटेंस जो भी सेल में रिक्वायर्ड है वो इन और आउट सेल के अंदर मूवमेंट कर सकता है. तो यहाँ हम स्पेसिफिक अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स ले रहे हैं,
जो ये शो करेंगे कि किस तरीके से सेल किसी भी सिलेक्टेड पार्टिकल्स को अपने अंदर से आने के लिए अलाउ करती है। तो यहाँ मैंने अलग अलग शेप के कुछ पार्टिकल्स बना दिए। इसमें से कुछ पार्टिकल्स ऐसे ड्रॉ किए हैं जो या तो पोर के साइज के अकॉर्डिंग है या फिर पोर के साइज से छोटे हैं, और कुछ पार्टिकल्स यहाँ इस साइज से बड़े हैं। तो अंडरस्टूड है कि यहाँ जितना साइज पोर का है उस पोर साइज से छोटे और सेम साइज के पार्टिकल इजिली फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी सेल को किसी स्पेसिफिक इस सिलेक्टेड पार्टिकल की रिक्वायरमेंट है जिसका साइज नॉर्मल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट पोर के साइज से बड़ा है, तो वो पार्टिकल किस तरीके से सेल के अंदर आएगा। तो जैसे ये सेल के अंदर इस पार्टिकल को अलाउ करना है तो क्या होगा, दिस सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ बबल लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस पार्टिकल गेट फिटेड इन दिस पार्ट। इस तरीके से जब मूवमेंट होता है किसी भी सेल के अंदर किसी भी सिलेक्टेड पार्टिकल का, दैट इज नेम्ड एज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मीन्स किस तरीके से कोई भी पोर के साइज से बड़ा पार्टिकल किसी भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इजिली सेल के अंदर एंट्री कर सकता है। तो यहाँ मेम्ब्रेन का एक फिनोमिना हो गया एंडोसाइटोसिस, जिसकी हेल्प से वो क्या करती है, सिलेक्टेड पार्टिकल्स को फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट या फ्रॉम वन आउटर मीडियम टू इनर मीडियम ट्रांसफर करेगी। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि किस तरीके से एक दूसरा मूवमेंट होता है जिसे हम अलग अलग तरीके से बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो डिफरेंट प्रोसेसेस करती है। जैसे एक होता है इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड वन इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इन दोनों ट्रांसपोर्ट्स में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से सेल इन दोनों ट्रांसपोर्ट को फॉलो करती है, तो सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट जहां पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और ये जब ट्रांसपोर्ट होगा तो देन देयर इज नो नीड ऑफ एटीपी मीन्स इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए किसी भी टाइप से एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इस तरीके से पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ जिसने क्या किया, दो कंडीशंस यहाँ पर फॉलो की, वन इज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन सब्सटेंस का मूवमेंट, एंड सेकंड थिंग नो नीड ऑफ एटीपी, कोई एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड नहीं होगा। अब हम इसमें दो अलग अलग प्रोसेस की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट आता है डिफ्यूजन और सेकेंड प्रोसेस हम कह सकते हैं ओस्मोसिस। दोनों प्रोसेस पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं, दोनों के अंदर मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा और दोनों प्रोसेस में कोई एटीपी मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बस डिफरेंस क्या है कि जब डिफ्यूजन होता है तो ऑल मीडियम्स मीन्स वी कैन से दैट द सॉलिड लिक्विड और गैस किसी भी मीडियम का मूवमेंट हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो सकता है, लेकिन स्पेशली जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो सिर्फ यहाँ पर मूवमेंट कौन से मॉलिक्यूल का होगा, वाटर मॉलिक्यूल यानी कि सॉल्वेंट मूव करेगा, और उस सॉल्वेंट में हम परफेक्टली क्या लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर बेस करके कहें, या फिर वाटर की कंसंट्रेशन जहां हाई होती है वहां से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में मूव करे विदाउट यूजिंग एनर्जी, देन इट इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो ये दो टाइप के प्रोसेस हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में सब्सटेंस के मूवमेंट को अलाउ करते हैं। सेकेंड थिंग आती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जहां मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में होगा, मीन्स व्हेन द सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन एरिया टू हाई कंसंट्रेशन। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे और यहाँ पर एटीपी यूज होगा, एटीपी इज यूज। एटीपी का यूज यहाँ किस तरीके से हुआ, जब हम एटीपी की बात करते हैं तो एटीपी में हम कहते हैं यहाँ पर 3 फॉस्फेट
ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और इस फॉस्फेट के बीच में ये जो बॉन्ड हमने शो किया है दैट इज हाई एनर्जी बॉन्ड। अब बात आती है कि किस तरीके से कोई भी सब्सटेंस लो कंसेंट्रेशन एरिया से हाई कंसेंट्रेशन में चला जाएगा, बाय ब्रेकिंग दिस बॉन्ड। मीन्स लास्ट दो फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है दैट बॉन्ड विल ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इस बॉन्ड के ब्रेक होने से जो एनर्जी रिलीज होगी दैट एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन एरिया। तो इस तरीके का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एग्जाम्पल आता है सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप ये हम फिफ्थ यूनिट में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सोडियम पोटाशियम जो हमारी बॉडी में आयंस प्रेजेंट होते हैं उनका मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर होगा और किस तरीके से वो एक्टिव प्रोसेस को फॉलो अप करता है। उसके साथ ही ये फोर्थ यूनिट जो हमारी प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट है वहां भी हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे कि हाउ दिस सोडियम पोटाशियम पंप फंक्शंस। सो दिस इज अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट इन सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आता है क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है जो उसका निकोलसन ने जो मॉडल दिया था उसमें उसने एक्सप्लेन किया कि ये क्वासी फ्लूइड नेचर को शो करता है। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन शोज और यू कैन से इट अनेबल्स द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन लिपिड्स कि किस तरीके से वहां पर प्रोटीन जो हैं वो लिपिड बाइलेयर के बीच में मूवमेंट करते हैं और उस मूवमेंट से कैसे जो सब्सटेंस है वो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड मूव करते हैं। तो दिस इज द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी से एक बात और कही जाती है, इट शोज द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी नेचर मीन्स ये जो मूवमेंट वाला कैरेक्टर है इस फ्लूइडिटी को शो करता है। तो इस तरीके से क्वासी फ्लूइड नेचर के हम दो फंक्शन पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है कि जो फ्लूइड नेचर है सेल का, फ्लूइड नेचर ऑफ सेल हेल्प्स इन कौन कौन सी चीजों में फ्लूइड नेचर हेल्प करता है। फर्स्ट वी कैन से दैट सेल ग्रोथ, इट हेल्प्स इन सेल ग्रोथ। नेक्स्ट इट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग जंक्शन बिटवीन द सेल्स। इट हेल्प्स इन सिक्रीशन। ये जो फ्लूइड नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो थ्री डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज द मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट इन 1972। वन इज सिंगर एंड निकोलसन। इन दोनों साइंटिस्ट ने 1972 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल डिस्कवर किया और उस मॉडल को नाम दिया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। यहाँ पर जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है इसका लिटरल मीनिंग क्या है कि फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड एज वेल एज द प्रोटीन बोथ फॉर्म्स अ मोजाइक फॉर्म ऑफ दैट मॉडल। और यहाँ पर फ्लूइड मोजाइक मॉडल में दो चीजें लिपिड और प्रोटीन दोनों को एक साथ शो किया गया है। उसके बाद जब इन्होंने अपना मॉडल डिस्क्राइब किया तो उस मॉडल में इन्होंने दो चीजें बताई, लिपिड एंड प्रोटीन। और यहां कहा गया कि जो लिपिड है वो बाइलेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और प्रोटीन यहाँ पर दो टाइप्स के होते हैं, वन इज इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड वन इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। टू टाइप्स के यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट है। तो डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर होगा। लिपिड की जो बाइलेयर है उसके अंदर मैचस्टिक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं लाइक दिस और इनके बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं।
सपोज दैट यहाँ हम प्रोटीन ड्रॉ करते हैं बीच में, दिस इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन विद इन द लिपिड बाइलेयर. नाउ कंटिन्यू विद द लिपिड लेयर एंड द प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑल्सो प्रेजेंट आउटसाइड दिस लिपिड बाइलेयर लाइक दिस. These are the protein molecules. So we can label this diagram. First of all, these proteins which are present on both side, outer side, it is known as extrinsic protein, and the protein which is present in between, or you can say within the lipid bilayer, it is known as intrinsic protein. These are the two types of protein present in this model. Now, next one is the lipid bilayer. What is the structure of lipid bilayer? This is known as hydrophilic head, and the stalk-like structure is known as hydrophobic tail. Means, यहाँ पर दो bilayer है. One bilayer is at above and one is बिलो, और दोनों के अंदर दो स्ट्रक्चर्स हैं. एक जो लोब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड, और जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है इसे हाइड्रोफोबिक टेल. हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफिलिक मीन्स विच इज वॉटर लविंग, विच कैन इंटरेक्ट विद सराउंडिंग वॉटर, और हाइड्रोफोबिक टेल मीन्स विच ऑलवेज अबव फ्रॉम द वॉटर कंडीशन. सो दिस इज नोन एज हाइड्रोफोबिक टेल. अब क्या बात, अब इसके अंदर एक चीज आती है कि जो हाइड्रोफिलिक हेड है, दिस इज ऑल अबाउट द सिंगर एंड निकोलसन्स मॉडल, दैट इज फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल. इट हैज द टू लिपिड बाइलेयर एंड टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, विच हेल्प्स इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट, वेदर दे आर द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, वेदर दे आर पोलर और नॉन पोलर. सो विद दिस इट इज द कम्प्लीट स्ट्रक्चर, देयर फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट सेल वॉल, दैट इज ओनली फाउंड इन द एल्गी प्लांट्स, वी कैन से सम बैक्टीरिया एज वेल एज इन सम प्रोटिस्ट एंड इन द यू कैन से द फंगस. सो वी विल डिस्कस इट अबाउट इन लेटर वीडियोज.